हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट, ये क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर है। आई होप स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को एंजॉय करोगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 1। बेटा, आप पहेली और बुझो को तो जानते हो ना। पहेली और बुझो आपके फ्रेंड है। कैसे फ्रेंड है? आप 6th में 7th में ये बड़े सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो साइंस ऐसी चीज है जिसमें आप जितनी क्वेश्चन पुटअप करोगे ना, उतना मज़ा आएगा आपको साइंस पढ़ने में। इसलिए पहेली और बुझो की तरह आपने क्वेश्चन पुट करते रहना चाहिए, ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे साइंस, ठीक है। तो अब पहेली और बुझो जो है अपने अंकल के घर गए थे, किसमें? समर वेकेशन में। उनके अंकल जो है वो क्या है? फार्मर हैं। फार्मर मीन्स किसान, ठीक है। और उन्होंने उनके पास कई टूल्स देखे, औजार देखे जिससे खेती की जाती है, जैसे कि खुरपी, सिक्कल, सोवेल, प्लॉ, ये सारी चीज़ें जो कि खेतों में यूज़ की जाती है, फील्ड में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो अब बुझो के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया। बुझो के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि आई वॉन्ट टू नाउ वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। जो मैं ये टूल्स देख रहा हूँ ना, ये जो टूल्स उसने देखे थे ना, वो सोच रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ कैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनाइजम है, अब उसको तो हम बाद में बताएंगे कि ये टूल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अब वहाँ पर पहुँचने से पहले आपको कुछ और बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि सभी लिविंग ऑर्गेनाइज्म, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको किसकी रिक्वायर्ड है? फूड की रिक्वायर्ड है। और वो फूड मिलता है किससे? प्लांट से मिलता है, ठीक है। प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और कैन यू कॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड? आपको पता है ना, क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं? बिल्कुल, ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज़ करके, सनलाइट का, क्लोरोफिल का यूज़ करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और एनिमल जो हैं, किसी न किसी तरीके से वो किस पे डिपेंड हैं? वो डिपेंड हैं प्लांट्स पर, ठीक है। अगर हम कहें कि फर्स्ट जो फूड जनरेट कर रहा है वो कौन है? प्लांट है, और हम कहीं ना कहीं तरीके से प्लांट पे या किसी और एनिमल पर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट, यू ऑलरेडी नाउ दैट द एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइज्म फॉर कैरी आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड एंड प्लांट और एनिमल और बॉथ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो हमें एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? फूड से मिलती है। और फूड जब हमें मिलेगा और एनर्जी हमें मिलेगी, तभी हम अपनी बॉडी के बाकी फंक्शन कर सकते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, और वो फूड हमें मिलता कहाँ से है? अभी मैंने बताया, प्लांट से या फिर एनिमल से। तो सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रिपेयर फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री? अब जो फूड हमें ज़रूरत है, हमारी कंट्री में कितने सारे लोग हैं, तो सबको जो है ये फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी करनी है लार्ज नंबर में, तो वो कैसे करेंगे? बुझो के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ गया कि अब उसको हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहली, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। अगर इतने सारे लोगों को फूड प्रोवाइड करना है, तो फूड को लार्ज स्केल में क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा पूरी तरीके से, कि कैसे उसको, एक ऑर्डर होगा जिसके थ्रू उसको मैनेजमेंट में करेंगे, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर जो था, मतलब खेती बाड़ी, पहले के जो थे अर्लियर मैन, जिसको आदि मानव बोलते हैं, वो क्या करते थे? जंगलों में ऐसे ही घूमते रहते थे, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी मिल जाता था, खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया,
खेती करनी सीखी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, और फिर बड़ी मात्रा में वो एक पहले तो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, फिर एक जगह टिकना शुरू किए वो, ठीक है, एक जगह रहना शुरू किए, और फिर उसके बाद उन्होंने खेती करना शुरू की, और फिर धीरे धीरे उन्होंने खेतों में राइस और भी कई क्रॉप्स जो है उगाना शुरू की, और उससे क्या बनाया उन्होंने, फूड प्रिपेयर करना शुरू किया। नहीं तो वो क्या करते थे, कहीं भी यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, ठीक है, जहाँ कहीं भी उन्हें कोई एनिमल मिल गया उसको मार देते थे, खा लेते थे, या वेजिटेबल्स फ्रूट्स कोई कच्चे मिल गए वो खा लेते थे, बस इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया तो स्थिर होने लगे, ठीक है, कोई राइस व्हीट ये सारी चीज़ें उन्होंने उगाना शुरू की, और इन्हीं चीज़ों को लंबी जगह पे, अगर दो चार पौधे उगाए कुछ नहीं, लेकिन अगर किसी एक जगह पर बड़ी सी जगह पे बहुत सारे पौधे एक ही चीज़ के उगाए तो वो क्या होता है, क्रॉप, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो आपके पास बड़ा सा फील्ड दिया है और वहाँ पे सिर्फ कौन सी फसल है आपके पास, वहाँ पर अगर आपके पास वीट है और पूरे उसमें वीट है, इट मीन्स वो कौन सा है, वो कौन सी क्रॉप है, वो वीट क्रॉप है, ठीक है। इसी तरीके से लार्ज स्केल में जो प्लांट उगाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रॉप। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो, डेफिनेशन है आपकी कि व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, जब प्लांट को एक जैसे प्लांट को सेम काइंड एक जैसे कल्टीवेट ऑन वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, एक ही जगह पर लार्ज स्केल पर उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्रॉप्स, ठीक है। ये चैप्टर के बीच में से आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं ना, वो मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी, आपने ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रॉप का देखें तो वो कौन कौन से होते हैं, वीट, वीट प्लांट जो है अगर लार्ज स्केल पे उगाया तो उसे वीट क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर राइस प्लांट उगाया तो राइस क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से यू नाउ ऑलरेडी दैट द क्रॉप्स आर द डिफरेंट लाइक सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब आप ये तो जानते हो ना कि अलग अलग टाइप के क्रॉप्स में अलग अलग होते सीरियल्स, दालें, अनाज, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो है उगाई जाती हैं लंबे स्केल पर, बहुत बड़ी मात्रा में, उसे क्या बोलेंगे, क्रॉप, ठीक है। दिस कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑन द सीजन, ये सीजन के अकॉर्डिंग उगाई जाती है। आपको पता है ना, कई चीज़ें सर्दियों के टाइम में मिलती है, कई चीज़ें गर्मी के टाइम में मिलती है, तो डिपेंड करती है कि उनको कितनी पानी की ज़रूरत है, उतना उनको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से सीजन के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया में जो है क्लाइमेटिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, हर जगह अलग अलग होती है, अलग अलग मौसम अलग अलग महीने में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्रॉप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। हमारे इंडियन जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रबी क्रॉप और एक खारिफ क्रॉप, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ये आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, दो द क्रॉप विच आर शो इन द रेनी सीजन, मतलब बरसात के टाइम में जब बारिश होती है ना उस टाइम ये शो किए जाते हैं, मीन्स उगाए जाते हैं, तो ऐसी क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम द जून टू सेप्टेम्बर, रेनी सीजन कब होता है, जून से सेप्टेम्बर के बीच में होता है, तो उस टाइम कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी क्या है, खरीफ क्रॉप, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पानी खड़ा रहता है ना बरसात के टाइम में, क्या होता है, पानी खड़ा रहता है, पानी खड़ा रहता है तो उस टाइम कौन सी क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप होती है। खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल कौन सी है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट और सॉरी कॉटन, ठीक है। तो अब इसमें पैडी क्या होता है, चावल जानते हो ना आप, उसको पैडी बोलते हैं, जब वो कबर के अंदर होता है ना वो पैडी होता है, मेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप्स। और दूसरी जो है हमारी वो क्या है, वो है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जब क्रॉप कब होती है, विंटर सीजन में उगाई जाती है। खरीफ कब थी, रेनी सीजन में, रबी कब है, विंटर सीजन में, और वो सीजन कौन से मंथ तक होता है, अक्टूबर टू मार्च, इसको क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स को आप कैसे याद कर सकते हो, रजाई, विंटर में आप रजाई लेते हो ना, तो रबी, आर से रजाई, आर से रबी, ठीक है।
और मंथ कौन सा होता है, अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। तो वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगाई जाती है अक्टूबर टू मार्च, इसे कहते हैं रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल रबी क्रॉप्स की व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रबी क्रॉप्स होती हैं। और पल्सेस भी, वेजिटेबल्स भी होती हैं जो समर में अलग अलग प्लेस में अलग अलग जगह पर उगाई जाती हैं, ठीक है। अब इनको उगाने के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, मीन्स उगाना है, उनको ग्रो करना है, उसके बाद हमारे पास तक पहुंचना है, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे तो नहीं कि बीज डाल दिया, उग गया, चलो भाई मिल गया, ठीक है। तो वो सारे मेथड को डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना टॉपिक जो मैंने समझाया अच्छे से समझ आ गया होगा, और अच्छे से समझ आ गया है तो मुझे कमेंट में डन लिखो और साथ में ये बताओ कि रबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल बताओ मुझे रबी क्रॉप्स की, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। और फिर से अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।